press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद। बाप के मुल्क का तो माफ कीजिएगा अरशु जी, हाल पहले भी बुरा था और अब तो और बदतर हो गया है। लिख रहे थे ऐसे ही, तो जैसे बारात आके वापस चली गई हो तो उससे वो कहते हैं कि जी नाम खराब हो गया लड़की का। तो वो मैं कह रहा हूँ कि बारात आके जी निकाह करके लड़की छोड़ गई, लेके नहीं गए साथ में, बताई नहीं हुई। देखिए नुकसान इस मैच के मंसूख होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 अरब का नुकसान हो, क्योंकि बर्तानिया भी अब नहीं आएगा, इवन श्रीलंका जैसा मुल्क भी आपको अब टीम भेजने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आना था, ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद फरवरी में, वो भी नहीं आएंगे। टोटल नुकसान 10 अरब रुपए का बनता है और पाकिस्तान का जो इमेज मुतासर हुआ। तो ये कौन सी बदनामी की बात हुई? बदनामी तो वो होती है जिसमें आपने को बहुत बड़ा एक नाम कमा लिया हो कि जी इस मुल्क में ना कभी कोई धमाका हुआ, ना दहशत गर्दी हुई, ना किसी टीम पे हमला हुआ। पाकिस्तान के लिए ये बदनामी की कोई बात नहीं है, ये एक नाउन किस्म का फैक्ट है कि पाकिस्तान में एक तरह का जो टेररिज्म का और सिक्योरिटी का थ्रेट मौजूद है। तो उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला, नाराज तो हमसे पहले ही सीपैक की वजह से भी नाराज है, पाकिस्तान को फैटर में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो यहाँ से बिना खेले चली गई, लेकिन उसके ऊपर हमारे जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब और दूसरे वो कह रहे हैं कि भारत का हाथ है कि सर क्या किया आपने, खेलने नहीं दिया हम लोगों को। बड़ा दिलचस्प किस्सा है न्यूजीलैंड का। वो कहते हैं कि जब पिच पे जाते हैं तो टॉस होती है, कहते हैं कि वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट या इलेक्टेड टू फील्ड। तो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई and they elected to live. उन्होंने जीना पसंद किया कि हम जिएंगे, हमने यहाँ पे आके मरना नहीं है। दिलचस्प ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म के दहशतगर्द हैं। एक दहशतगर्द वो हैं जो शलवार कमीज पहनते हैं, दूसरे दहशतगर्द वो हैं जो वर्दी पहनते हैं। तो वर्दी पहने दहशतगर्दों के ऊपर एतबार, यकीन, भरोसा नहीं हुआ न्यूजीलैंड की टीम को। और एक बड़ी पिक्चर वायरल हो रही सोशल मीडिया पे जिसमें दिखा रहे हैं कि वो AK-47 लटका रखी है उसने, सलवार कमीज पहनी हुई आदमी ने, और दूसरा उसकी तलाशी ले रहा है। तो जब 47 लटका ही रखी है तो तलाशी लेने को रह गया क्या? मतलब आप तुम क्या खोज रहे हो, TNT RDX के ये कहीं वहां जाके फियादीन ना कर दे अटैक। तो मतलब आपके मुल्क का तो माफ कीजिएगा अरशु जी, हाल पहले भी बुरा था और अब तो और बदतर हो गया है। ठीक है, अब ज्यादा भी क्या कहूं, अब फिर लोग बोलेंगे कि आरजू अपने चैनल पे बुला लेती है हिंदुस्तानियों को और वो कोसते हैं आगे पाकिस्तान को, गालियां देते हैं और आरजू मुस्कुराती रहती है। तो मैं इतना ही कहूंगा, बहरहाल ठीक है, आप समझ लीजिए कि हालत खराब ही है। एक लेटर जो है वो भी बाद में सामने आया जो 13th का इशू किया हुआ था और पता नहीं हमारे लोगों ने दिखाया नहीं उनको, जो न्यूजीलैंड वालों को मिल गया जो बिल्कुल लास्ट मिनट पे, जो वो तो ऐसा हो गया ना, कुछ लोग ट्विटर पे लिख रहे थे ऐसे ही, तो जैसे बारात आके वापस चली गई हो, तो उससे वो कहते हैं कि जी नाम खराब हो गया लड़की का। तो वो और दूसरे जो फवाद चौधरी साहब भारत का नाम ले रहे हैं, सर तो आप लोग भी तो आते हैं ना बीच में। नहीं, वो तो साजिश तो हमेशा हमारी होती है ना, तो या हमारी होगी या इसराइल की होगी, या ये दो ही तो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। तो बहरहाल बात ये है कि वो जो आप कह रहे हैं कि बारात आके चलेगी, मैं कह रहा हूँ कि बारात आके नहीं, निकाह करके लड़की छोड़ गई, लेके नहीं गए साथ में, बताई नहीं हुई। मेरा ऑन अ सीरियस नोट क्या है, ये आपको ना खुद सोचना चाहिए कि अगर सलाम तालिबान के झंडे लग रहे हैं और तालिबान के लिए अगर वहां पे गीत गाए जा रहे हैं, वहां पे अगर गजलें पढ़ी जा रही हैं, तो आप समझिए कि इट्स अ रियल थ्रेट और इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम अर्जुन जी जब ये आप लोगों के लिए खुद के लिए एक मुसीबत बन के खड़े होंगे। आपको अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है, आई मीन एंजॉय द मोमेंट व्हाइल इट लास्ट्स, जितनी देर ये आपका सेलिब्रेशन रहता है उतनी देर एंजॉय कर लो, क्योंकि बहुत दिन का सेलिब्रेशन पाकिस्तान के लिए है नहीं, स्पेशली जब आपके बिल्कुल सिर पे तालिबान बैठा हुआ है और आपके जो फाटा कह लीजिए या आपका जो नॉर्थन एरियाज हैं वहां पे जिस तरीके से TTP का होल्ड है, तो तारीख तालिबान पाकिस्तान में और तालिबान अफगानिस्तान में उतना ही फर्क है जितना बार बार कहते हैं वाटर और पानी में फर्क है, ये एक ही चीज है। और ये एक जलजला आएगा और आपको ले डूबेगा, बता रहा हूँ। देखिए नुकसान इस मैच के मंसूख होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 अरब का नुकसान, ये सीरीज जो मनसूख हुई जी, क्योंकि बर्तानिया भी अब नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि बर्तानिया, सारी दुनिया कह रही थी इंडिया, मैं कह रहा था नहीं बर्तानिया इतना बड़ा ऐसी बड़ी फनकारी बर्तानिया कर सकता है, अब जरा ये कह रहे हैं। बहरहाल जो भी हकीकत है वो छुपी तो नहीं रहेगी,
उन्होंने आना था, ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद फरवरी में, वो भी नहीं आएंगे। टोटल नुकसान 10 अरब रुपये का बनता है और पाकिस्तान का जो इमेज मुतासर हुआ, सरमायाकारी नहीं होगी। फिर ये है कि एक कंपेन शुरू हो गई है, ब्लूमबर्ग जो बहुत अहम जरीदा है जी, उसने एक मजमून छापा पाकिस्तान को फेटफ में, यानी बात अफगानिस्तान की है, हारे आप हैं, झक आपने मारी है, आपका मीडिया और आपके लीडर कह रहे हैं कि हमला करने का फैसला ही गलत था। जो फैसला ही गलत था तो उसका नतीजा गलत ही होना था ना, जिस इमारत की बुनियाद ही गलत थी। पाकिस्तान को फेटफ में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, स्मार्ट सैंक्शंस यानी ईरान से कुछ कम पाबंदियां लगा दी जाए। देखिए सुपर पावर जो होती है वो सिर्फ सुपर पावर इसलिए नहीं होती कि उसकी माली हैसियत बड़ी है, उसकी सियासी हैसियत बड़ी होती है, उसकी अस्करी कुव्वत बड़ी होती है। सबसे अहम बात यह है कि जो आलमी अदारे हैं उसमें उसका रसूख ज़्यादा होता है, और मीडिया, मीडिया में एक बड़ी हौलनाक कंपेन जारी है पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला, नाराज तो हमसे पहले ही सी पैक की वजह से भी नाराज हैं, डिग्गी खोते तो गुस्सा को मारते हैं, ठीक है। अब वो चीन से भी नाराज है, भाई चीन को आगे बढ़ रहा है। और ये जो होता है ना कि हर चीज में से बजाय इसके कि आप अपने जो बची खची क्रेडिबिलिटी होती है उसको बचाएं या उसकी को बंदोबस्त करें, आप मजीद ऐसी बातें करने शुरू हो जाएं जिससे यह साबित हो कि आपके मिनिस्टर्स, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पीपल इन पावर जो हैं दे आर स्टूपिड, और वो हर चीज को इस तरीके से हकायक से अलग करके अगर पेश करना शुरू हो जाएं तो जाहिर है ये तरीके होते हैं जिनसे मुल्क बदनाम होता है। तो ये कौन सी बदनामी की बात हुई? बदनामी तो वो होती है जिसमें आपने को बहुत बड़ा एक नाम कमा लिया हो कि जी इस मुल्क में ना कभी कोई धमाका हुआ, ना दहशत गर्दी हुई, ना किसी टीम पे हमला हुआ, तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसी हरकत हो? तो अगर ऐसी कोई हरकत हो तो उसको कहते हैं बदनामी। पाकिस्तान के लिए ये बदनामी की कोई बात नहीं है, ये एक नाउन किस्म का फैक्ट है कि पाकिस्तान में एक तरह का जो टेररिज्म का और सिक्योरिटी का थ्रेट मौजूद है। मूल कून तरीकों से बदनाम नहीं होता कि पाकिस्तान से क्रिकेट टीम इसलिए चली गई कि वहां दहशत गर्दी का खतरा है। पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी के खतरे की लिस्ट पे नंबर वन मुल्कों में से एक है अफगानिस्तान के बाद। कि हमारे मुल्क में आम हालात में टीम नहीं आती तो ऐसे हालत में कैसे आएगी जब आपके बॉर्डर पे दुनिया की सबसे बड़ी दहशत गर्दी का खतरा है और वहां से दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं कि जी अफगानिस्तान में अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वहां से कोई दहशत गर्दी का वाकया हो सकता है।